ओबीसी आरक्षण रद्द हुआ है, इस पर भाजपा की सरकार जिम्मेदार है, ऐसा आरोप छगन भुजबल विजय वडेट्टीवार द्वारा किया गया है। इस मुद्दे पर चंद्रशेखर बावनकुले ने पत्रकारों से संवाद साधते हुए बोले कि 2 साल महाविकास अघाड़ी की सत्ता थी, उस दौरान ओबीसी समाज को न्याय देने के लिए किसी भी तरह का कार्य नहीं किया है। साथ ही बावनकुले बोले कि आने वाले 19 तारीख को कोर्ट में ही हेयरिंग है, उस दौरान ओबीसी समाज को आरक्षण मिले ऐसा प्रयास शिंदे फडणवीस सरकार का होगा। ओबीसी ला वेगवेगळा आरक्षण मिळणार आहे, काही ठिकाणी 40% जाईल, काही ठिकाणी 35% जाईल, काही ठिकाणी 27% जाईल, कारण आपल्या घटनेमध्ये एससी एसटी ला लोकसंख्या प्रमाण द्यावं लागतं आणि बाकी उरलेलं मग त्या ठिकाणी मागासवर्णी घटकाला द्यावं लागतं, ओबीसी ला द्यावं लागतं। त्यामुळे काही ठिकाणी ते जास्त होणार आहे, काही ठिकाणी कमी होणार आहे, पण ॲव्हरेज 27% वर जाणार आहे।